नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, भारत ने चीन और पाकिस्तान पर फिर कसी नकेल, फिलीपींस में फिर लगा लॉकडाउन, तस्वीरों में भव्य दिख रहा है राम जन्मभूमि, यूपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी, सुशांत मामले में बिहार सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश, कुलभूषण जाधव मामले को लेकर बड़ी खबर, झमाझम बारिश से तालाब बनी मुंबई, अनलॉक से सुधर रही है देश की आर्थिक व्यवस्था, व्हाट्सएप लाया नया फीचर, इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामले और चिकित्सा जगत से जुड़े समूहों के आग्रह पर फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ने राजधानी मनीला और आसपास के क्षेत्रों में रियायतों के साथ दोबारा लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि कोरोना लगातार दुनिया के कई देशों में अपने पैर पसार रहे हैं। भारतीय मूल के बौद्धिक संपदा विशेषज्ञ और न्यायिक आयुक्त दीदार सिंह गिल को सिंगापुर के हाईकोर्ट का जज बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस प्रतिष्ठित पद के लिए गिल की नियुक्ति दरअसल इस साल अप्रैल में ही हो गई थी, लेकिन कोरोना के कारण अब शपथ ली है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन से पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से प्रस्तावित राम मंदिर की तस्वीर जारी की गई है। गौरतलब है कि कल पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा कर दी है, जहां इसमें बिहार मूल के प्रदीप सिंह ने पूरे देश में टॉप किया है। आपको बता दें कि यूपीएससी में इस बार 829 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने आज अपने भोपाल स्थित आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन किया, जहां पाठ के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कमलनाथ ने कहा कि हम मध्य प्रदेश की जनता की ओर से 11 चांदी की ईंट अयोध्या भेज रहे हैं। ये ईंट कांग्रेसी सदस्यों ने दान देकर खरीदी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम पूर्व पीएम राजीव गांधी जी को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने यहाँ के ताला खुलवाए थे, क्योंकि यहीं से राम मंदिर की कथा शुरू होती है। ईडी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह से पूछताछ की। अधिकारियों ने कहा कि उनसे रिया और उनके भाई के स्वामित्व वाली कंपनियों के बारे में पूछताछ की गई है। केंद्र सरकार ने आज जमीनी सीमा साझा करने वाले चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की कंपनियों को वाणिज्यिक दोहन के लिए कोयला खादान में जारी नीलामी में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। कोयला मंत्रालय के तहत भले ही ऑटोमेटिक रूट के तहत नई गतिविधि में 100% FDI की अनुमति है, लेकिन भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश प्रस्ताव को केवल सरकार के रूट से ही स्वीकृत किया जाएगा। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है। आपको बता दें कि न्याय मित्र वह वकील होता है जिसे किसी मामले में सहायता करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त किया जाता है। उल्लेखनीय सुधार को दर्शाते हुए देश का निर्यात जुलाई महीने में एक साल पहले की समान अवधि के स्तर के करीब पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न संकेत यह दर्शा रहे हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए हैं और पिछले 24 घंटे में 6,60,000 सैंपल टेस्ट हुए हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या एक्टिव केस से 2 गुनी हो गई है। मुंबई में झमाझम बारिश के कारण महानगर के कई इलाकों में जलजमाव के कारण वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। BMC के अनुसार पिछले 10 घंटे में मुंबई में 230 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस बीच यूपी के बलरामपुर जिले से सटे नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी कल राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसके लिए यहां के सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है।
कोरोना और लॉकडाउन के कारण डीजल का खर्च भी पूरा न होने के कारण हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने आज से करीब 100 रूटों को बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर हालत ऐसे ही रहे तो अन्य रूटों पर भी बसें कम की जा सकती है। राजस्थान में चल रहे सियासी हलचल के बीच अशोक गहलोत सरकार के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीना ने संकेत दिए हैं कि 14 अगस्त को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट भी किया जाएगा। हालांकि सरकार अब तक आधिकारिक तौर पर विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट के मसले पर चुप्पी साधे हुए थी। बताया जा रहा है कि RBI ने HDFC बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन के नाम को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि जगदीशन इस समय बैंक के चेंज एजेंट और फाइनेंस विभाग के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसे सर्च द वेव नाम दिया गया है। इस फीचर के मदद से फॉरवर्ड किए जाने वाले मैसेज की प्रमाणिकता के बारे में पता लगाया जा सकेगा और फेक न्यूज फैलाने से रोकने में काफी मदद मिलेगी। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप हर रोज एक गिलास दूध का सेवन करते हैं तो इससे आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही रात के समय एक गिलास दूध पीने से अच्छी नींद भी आती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर में होने वाले 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला को स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि दोनों टीमों के बीच T20 मैचों का आयोजन टॉन्सविल कोनर्स और गोल्ड कोस्ट में 4, 6 और 9 अक्टूबर को होना था, परंतु कोरोना के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब बिहार सरकार की एंट्री हो गई है, जहां बिहार सरकार ने इस मामले की CBI से जांच कराने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि सुशांत के फैंस लगातार इस मामले की जांच CBI से कराने की मांग कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा में 15 साल पूरे होने पर एक्ट्रेस विद्या बालन ने कहा है कि फिल्म परिणीता से लेकर शकुंतला देवी तक उनका यह सफर बहुत खूबसूरत रहा और वो इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि वो अभिनेत्री बनने के अपने एकमात्र सपने को जी रही हैं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।